शाहरुख खान और राकेश रोशन की एक फोटो ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी है। क्रिश 4 के अनाउंसमेंट से पहले हुई इस मुलाकात ने फैंस को और पूरी इंडस्ट्री को सकते में डाल दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर शाहरुख और राकेश रोशन की ये मीटिंग किस प्रोजेक्ट को लेकर हुई। क्या शाहरुख क्रिश 4 के निर्माता के साथ कोई फिल्म करने जा रहे हैं या फिर उनकी क्रिश 4 में एंट्री हो गई है। ऐसी तरह तरह की खबरें पूरे सोशल मीडिया पर फ्लो कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म मेकर राकेश रोशन इन दिनों अपनी एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी खूब सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। बता दें कि राकेश रोशन की डॉक्यूमेंट्री कोई आम डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बल्कि रोशन परिवार की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लेगेसी को दिखाती है। वहीं अब राकेश रोशन की डॉक्यूमेंट्री से बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का नाम भी जुड़ता नजर आ रहा है। दरअसल फिल्म मेकर राकेश रोशन ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटोज पोस्ट की हैं। पहली फोटो में राकेश रोशन, शाहरुख खान, डायरेक्टर शशि रंजन और दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो में राकेश रोशन सिर्फ शाहरुख खान के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ राकेश रोशन ने कैप्शन भी लिखा है। फिल्म मेकर ने लिखा, थैंक यू शाहरुख तुम्हारे प्यार, गर्मजोशी और द रोशंस में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। राकेश रोशन के साथ साथ डायरेक्टर शशि रंजन ने भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली हैं, जहां उन्होंने कैप्शन में लिखा है, शाहरुख के साथ शूट किया। मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री द रोशंस में ऋतिक के दादा, जो कि एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे, राकेश रोशन उनकी फिल्मोग्राफी, राजेश रोशन उनका म्यूजिक और ऋतिक रोशन के एक्टिंग करियर की कहानी को कवर किया जाएगा। इनके अलावा इसमें उनके परिवार के खास लोग और करीबी रिश्तेदारों को भी शामिल किया जाएगा। माना जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज कर दिया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि शाहरुख खान का रोल राकेश रोशन की इस डॉक्यूमेंट्री में कैसा होने वाला है और वो कितने देर तक के लिए इस डॉक्यू सीरीज में नजर आएंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।